हो जाओ सर, बेचारे वापसी लगी। मैच आज दिन का ये सेकेंड मुकाबला प्रारंभ हो चुका है किकर विजिट के साथ। हमारे वहां पर गेंद गोल लाइन को क्रॉस कर चुकी थी, इसीलिए वहां पर गोल किक लेने का अवसर प्राप्त करेंगे इस बार। वहां से खुट्टी की टीम, ठीक है हम और ये टीम मार्शल भाई देख चुका हूँ, उनका खेल बहुत ही अच्छे खेलते हैं, जो कि आज ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं रेड कलर की जर्सी में। और आज इस टीम से ऐसे प्लेयर्स को भी हम देख पाएंगे जो मैं याद करता हूँ कि इस सीजन में कुछ महीने पहले जब हमारे परहेट क्षेत्र में एक बड़ा टूर्नामेंट का आगाज हुआ था एडीसी परहेट के ग्राउंड पर, तो वैसे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मोटरसाइकिल जिसको दिया गया था हमारे अमोल दास की, जो टीम के कैप्टन हैं जर्सी नंबर 10 में ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम से, इस प्लेयर्स को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मोटरसाइकिल दिया गया था एडीसी परहेट साहेबगंज के ग्राउंड पर। तो ऐसे प्लेयर्स जो है आज इस ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम से। कोई तो 10 नंबर रे हरो बोल गेले का ब्लैक टाइगर कोलकाता को, कोई तो टीम रे कैप्टन कराई अमोल बास्की, बड़ी फेमस और पॉपुलर प्लेयर्स का नाम अमोल। और ओका हाल फिलहाल आले परहेट साहेबगंज रे का एडीसी क्लब से कोई का टूर्नामेंट ओडे होली ना ओडा टूर्नामेंट रे नोई दो मैन ऑफ द सीरीज रूप रे मिटे मोटरसाइकिल एग्जाम लेदा एचए विलेज ना का मोटरसाइकिल ता है कना सीरीज रूप रे। तो उनका नी क्लियर होते ही नवा ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम को ने कदी तुरे येलो कना और मेन रोल रे ओ कोई तो मिटे कैप्टनशिप ना रोल अदाई दा नवा मैच रे। बनाटी बड़ी स्ट्रांग बड़ी मजबूत टीम कना के और मुखिना मैच रहो जैसे जैसे समय ना हो दिया निश्चित रूप से उनका नाम बदला उनका नाम मिटे रोमांचक मैच बुनियल लड़िया जहां तक ना उम्मीद बना मार्शल हेलो जी हाँ और उनका रोमांचक मैच जो तो उनका देखो आरा आर पूर्ण मिसाल रोम जलसी रहे तो ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम और प्रशासन रंग रूप झेले को टाइगर जिंदा है खूटी मिथिला के देखो ब्लैक टाइगर टीम बॉल पोजीशन देखो अमोल लगी थे अरा बोला प्रयास नासिया लगी बखान पहिल गोल हुई गुआ अमोल बास की जर्सी नंबर 10 में जिनको आप देख पा रहे हैं और इनका विस्तार पूर्वक यहाँ पर सुशील दा जिस तरीके से जिक्र किए हैं बहेट क्षेत्र में एडीसी बहेट में जो मुकाबला हुआ था वहां पर मैन ऑफ द सीरीज के रूप में इनको सम्मानित किया गया था बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर। और इस टीम के खिलाफ आज यहाँ पर टाइगर जिंदा है खोटी टीम भी काफी सुपर खेल रहे हैं, जीतेगा कौन और इस मैच में कौन सा टीम हारेगा यहाँ पर अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी है क्योंकि दोनों टीम अपना बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। लाल इस बार 3 नंबर जर्सी पहने खड़ी टाइगर जिंदा है खोटी टीम से और इसी के बीच यहाँ से कोलकाता टीम, लेकिन खोटी वहां पर बॉल का पोजीशन इस बार खोटी, लेकिन पुनः वहां पर बॉल इस बार जीत लेते हैं कोलकाता टीम। एक अच्छा डिलीवरी राइट विंग का क्षेत्र में, लेकिन एक अच्छा गोल कीपिंग एमडी साफी जो गोलकीपर है मोहम्मद साफी नाम के गोलकीपर टाइगर जिंदा है खूंटी टीम से जो गोलकीपिंग कर रहे हैं। अपोनेंट टीम के ये भी काफी होनहार गोलकीपर हैं अपूर्वा रॉय, ये
एक बेहतर गोलकीपर इस टीम से जुड़ चुके हैं और यह टीम से वो एक नियमित गोलकीपर है अपूर्व रॉय। लेकिन अपूर्व रॉय कब तक वो अपना बैलेंस को बनाकर रख पाते हैं करने का जो अब प्लानिंग यहाँ पर बन रहा है। दोनों टीम प्रतिद्वंदी टीम को हराने का वो रणनीति बना रहे हैं दोनों टीम की तरफ से। अब मैच जिस तरीके से आगाज हुआ है लगभग लगभग अब 5 मिनट 26 सेकंड लगभग अब हो रहा है, यानी 6 मिनट अब समय निकल रहा है। तो 6 मिनट तक का समय का गोल को अगर आप याद करें, पहला मैच आज दिन का जो ओपनिंग मैच हुआ था फर्स्ट हाफ का, 6 मिनट तक में ही दोनों टीमों ने एक एक गोल लगाया था, लेकिन इस मैच में अब तक में एक भी गोल नहीं हुआ है। इसका मतलब दोनों टीम काफी मजबूत है। इसी क्रम यहाँ पर बबलू के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मोतीलाल वहां पर, लेकिन फिर से बॉल इस बार जीत लेंगे कोलकाता की। कोलकाता टीम इस मैच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो ज्यादा जो मैच में डोमिनेट कर रहा है मैच में वो ज्यादा बॉल पोजीशन और हर चीज थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन टाइगर जिंदा है, खोटी टीम भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जितना भी अच्छा खेलें अगर गोल ना हो तो यहाँ पर परिणाम का घोषणा नहीं किया जा सकता है। अभी भी काफी पर्याप्त समय है, एनफ टाइम है इस मैच में खोटी टीम को भी अपना मैच को सुधारने के लिए। और अब तो बस शुरुआत हुआ है यहाँ पर जिंदा मैच, इससे और बेहतर होगा क्योंकि दोनों टीम के तरफ से अगर खिलाड़ियों को आप देखें जिस तरीके से आप यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कई बार दफा आपने देखा है यहाँ पर ब्लैक टाइगर कोलकाता टीम से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ये सभी खिलाड़ी काफी अच्छे से टूर्नामेंट में और अच्छा योगदान एक टूर्नामेंट का खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी का आगमन हो गया है। लेकिन उसके विपक्षी टीम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ टाइगर जिंदा है, खोटी टीम भी काफी बेहतर खेल रहे हैं क्योंकि इनको पता है यहाँ पर कोलकाता टीम के साथ अब थोड़ा सा भी आप ढीला ना हो। यहाँ पर जब कभी भी आपके प्रतिद्वंदी टीम और आपके प्रतिद्वंदी टीम अगर मजबूत हो तो आपको भी निश्चित रूप से आपका खेलने का जो रणनीति है, खेलने का जो स्ट्रेटेजी है वो सारा चीज को बदलना होगा। और यही चीज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टाइगर जीता है खोटी टीम के पास। जी बिल्कुल, और मैच अब जो चल रही है फर्स्ट हाफ का स्टार्टिंग समय तकरीबन 8 मिनट के करीब जो अभी तक चला है इस मैच में दोनों टीम्स ने एक दूसरे को जाना परखा, लेकिन अब धीरे धीरे ये अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर टीम के बहुत ही होनहार खिलाड़ी दीपांकर, इन्होंने पीछे स्नातन को खेला था जो कि एक हाफ जोन से अच्छे खेलते हैं, लेकिन गेंद इसी क्रम में प्ले से बाहर जा चुकी है। मैं देखता हूं कि यहां पर जो ब्लैक टाइगर की जो टीम है कोलकाता की टीम, ये काफी लंबा अनुभव रखते हैं खेल के क्षेत्र में, हर बड़े टूर्नामेंट को खेलने का इनके पास तजुर्बा है। लेकिन इसके अपेक्षा अगर हम ओपोनेंट को देखें, ओपोनेंट टीम जो हमारे टाइगर जिंदा है खोटी की टीम है, इसमें मैं देख रहा हूं कि मार्शल एक दो प्लेयर जो है मालदा से है, लेकिन उसके अपेक्षा अगर आप प्लेयर्सों को देखें तो तकरीबन हमें लग रहा है पाकुड़ के क्षेत्र से ही वो सारे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन खेल बहुत ही अच्छा है इन दोनों के बीच में मार्शल जी। जब कभी भी एक टीम से अगर अलग अलग जगह के जो खिलाड़ी अगर उनका संगम होता है तो निश्चित रूप से टीम और मजबूती प्रदान होता है, या पाकुड़ क्षेत्र के खिलाड़ी साथ ही साथ मालदा, तो इसका मतलब टीम के जो मैनेजर हैं वो भी एक अच्छा रणनीति बना करके और जिस तरीके से खिलाड़ियों का चयन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं डिफेंस लाइन में यहाँ 14 नंबर में बाबलू, साथ ही साथ 3 नंबर पर राइट फुलबैक का पोजीशन से लाल है, और मोतीलाल 16 नंबर में जो डिफेंसिव ड्यूटी को निभा रहे हैं, 15 नंबर में जिनको आप देख पा रहे हैं 15 नंबर जो सीपर खिलाड़ी बाबूलाल, और एक अच्छा अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर अपोनेंट टीम को आप देखिए यहाँ पर सुशील दास जिस तरीके से लाल रहा अमोल के ऊपर
अमोल को वहां पर वो हमेशा छोड़ते ही नहीं है। जब कभी भी अमोल अपोनेंट टीम का फॉरवर्ड यानी उनके अपोनेंट टीम का जो जो डेंजर एरिया है उस क्षेत्र में जब कभी भी वो जाते हैं तो वहां लाल को मैं देख पा रहा हूँ, वो हमेशा उसका नजर अमोल के पास रहता है। जी बिल्कुल, उनको पता है कि अमोल उनके टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और इसलिए उनको हमेशा ध्यान में रखते हुए खेल रहे हैं कि यहाँ पर हमें हर हाल में अमोल को रोकना है, क्योंकि अमोल वो प्लेयर्स हैं अगर उनको थोड़ा सा भी गैप मिल गया तो गोल स्कोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अमोल बाग की। और आप देखिए यहाँ पर एक बेहतर अवसर बनेगा, प्लेयर से रिक्वेस्ट रहेगा जो रेफरी ने डिसीजन लिया है उसका आप अनुपालन करें और यहाँ पर एक बेहतर मौका बनेगा इस बार कोलकाता टीम के लिए। और उन्हें बुझाऊ करा मार्सेल नहीं तो पेनल्टी रिनाउंस सिचुएशन डायरेक्ट पेनल्टी ना नहीं तो उन्हें कोई ना कॉल लगभग है एक ना और उन्हें कोई लहर हो मीचे उनका तो शॉट नहीं लेना उनका तो ट्राय लेना कीपर उन्हें ऑफ द लाइन नहीं था ना मैंने कहीं क्रॉस बार है जोश करते बोल और डिमोज डिफ्लेक्ट हुआ ना मैंने कहा नियक्रम रहे जल्दा उनका तो मीचे डायरेक्ट पेनल्टी उनका ना कोई जाम का ब्लैक टाइगर कोलकाता नवा राज्य फायदा कुछ होता है नसबा सुचिल जो हमारा आदमी लोग है बहुत बहुत धन्यवाद उसको। आज सुनिए ये पेनल जो शॉट अभी पेनल जो होना था पेनल जो शॉट में जो भी जितना कोई जीतेगा उसमें आप लोगों को खराब नहीं लगना होगा ठीक है। आप पेनल जो शॉट में एक चीज होता है नया सरकार सरकार कह जाए पकान पकान जो कुछ भी है बड़े से हो जाए वही हम चाहेंगे और बड़े कोई मीठे मौज अवसर मैच रे वापसी लगी